Hi, this is Monali Thakur and you're watching me on Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and you're watching Movies Adda. Well, फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने लक्ष्मी जैसे कैरेक्टर से और अपनी सरस्वती जैसी आवाज से हम सभी के दिलों में एंट्रियां मार ली और उसके बाद अपने मोह मोह के धागे से हम सभी को सवार दिया, हम सभी की लाइफ को सवार दिया अपने म्यूजिक से और अब लेकर आ गई हैं पानी पानी. So please welcome Monali Thakur with us. Hello ma'am, welcome to Movies Adda. Hi, thank you so much. Thank you. डेफिनेटली पानी पानी यू नो सबको बहुत पसंद आ रहा है. इट इज़ अ रिक्रिएशन काइंड ऑफ यू नो आपके अंदाज में इट्स अ रिक्रिएशन. सबसे पहले तो जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? वेरी हैप्पी बिकॉज ये गाना जो हमने बनाया था और जब ये थॉट आया था दिमाग में, वी डिडंट थिंक ऑफ लाइक ओ बिग प्रमोशन अ बिग लॉन्च एंड एवरीथिंग, नथिंग. वी जस्ट ऑनेस्टली एक रुपये भी हम लोग ने स्पेंड नहीं किया प्रमोशन में, बट ऑर्गेनिकली दिस सॉन्ग इज गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड इट्स बींग स्ट्रीम्ड ऑल अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म एंड बींग लव्ड रियली इवन फ्रॉम इंडस्ट्री. बाकी कुछ भी उतना मैसेज नहीं आता इस गाने के लिए इतना आया. सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग दैट यू नो अच्छा किया कि आई took upon the job and I did it. Yeah. Also, why this song only? मतलब और भी बहुत सारे गाने थे. Why this song? Is this song something, you know, really close to your heart or special for you, something like that? See, what happened was, होते ना thoughts आते, ideas आते. ये मैं the entire story behind this song is basically I was in Switzerland and I was in the mountain and I was, आप लोग आधे time देखते होंगे मैं Instagram में post करती रहती हूँ और कुछ ना मिले पहाड़ों में ही हुआ था time में, आजकल सन्यासनी. Anyway, so over there I was biking and cycle लेके ऊपर जा रही थी तो I was tired and I stopped by and I stopped next, I left the cycle on the फ्लोर ग्रास पे, फिर एक पत्थर के ऊपर बैठ के बाजू में स्ट्रीम जा रहा है, मैंने अपना योगर्ट निकाला एंड आई वाज अबाउट टू हैव माय योगर्ट एंड आई वाज हमिंग दिस सॉन्ग, खुद के लिए गुनगुना रही थी एंड सडनली इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड ऑर्गेनिकली ये गाना मेरे दिमाग में तब आया था एंड आई लाइक्ड माई सेल्फ हमिंग दैट सॉन्ग. सो आई थॉट, तब थॉट आया कि आई विश आई कुड डू अ रेंडिशन ऑफ माइन, आई विश आई कुड गिव आउट टू माई ऑडियंस अ वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग ऑफ माइन, आई विश आई कुड रिक्रिएट इट. एंड दैट्स वेन इमीडिएटली मैंने फ़ोन लेके गूगल किया कि राइट्स किसके पास है. इट वॉज विद सोनी म्यूजिक इंडिया. आई कॉल रोहन फ्रॉम सोनी म्यूजिक इंडिया. आई सेड दैट हे डू यू थिंक दिस इज़ अ थॉट दैट केम इन माई माइंड, डू यू थिंक इट वर्क्स, वुड यू लाइक टू डू इट, स्टफ लाइक दैट. दे सेड येस टू इट इमीडिएटली, लाइक इन लेस देन डे दे रिवर्टेड बैक एंड सेड येस कैन एवरीथिंग इज़ फाइन, वी वुड बी एक्साइटेड टू डू इट. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड दैट्स हाउ दिस सॉन्ग हैपेंड. सो ऐसा नहीं कि बहुत पहले से प्लान करके, इट हैपेंड टू मी. That's why I took the step and I'm glad I did. और ये गाना बना. अच्छा, जैसे हमने आपको ऑफकोर्स एक्टिंग करते हुए भी देखा एंड लक्ष्मी आई जस्ट लव्ड द परफॉर्मेंस दैट यू डिड. मतलब इट वॉज यू नो ऑलमोस्ट लाइक यू नो आई वॉज हैविंग गूज बम्स वाइल वॉचिंग दैट परफॉर्मेंस एंड ज़्यादातर लोग देख भी नहीं पाते बिकॉज इट्स स्कैरी ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. बट एज एन एक्टर और एज अ सिंगर, मोनाली एज एन एक्टर, मोनाली एज अ सिंगर, वट योर पेरेंट्स लव टू यू नो वॉच और लिसन, मतलब उनको क्या प्रेफरेबल है इफ़ आई आस्क? Monali as a happy person is what they prefer the most. Actor, singer, anything else, they're more than happy and they're the biggest critics I have. So they always look forward to anything I do. Like especially maa ko na main agar Bengali gaane gaao to bahut khush hoti hai wo, because obviously they're hardcore Bengalis. But they love everything. They look forward to what I'm doing. But I think they, most importantly, they look forward to me being happy. Yeah, yeah. Also, you just said, you know, in few of your interviews, you said that you're really in a happy space. So, what exactly a happy space is? The audience will definitely, you know, understand that. But still, I would like to ask you, what is that exactly happy space? Work-wise, professionally, personally, mentally, whatever. Exactly. All the things that you said. Yeah, all the things that you said. Yes, I'm getting to do what I like to do. At least, I am in a position to be able to, you know, produce my things and... अभी वो चॉइस कर पाती हूँ. कितने लोगों के पास चॉइस नहीं रहता है बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू ईट नेक्स्ट, राइट? सो आई एम ग्लैड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कम टू अ स्टेबल ग्राउंड इन माई लाइफ वेयर आई कैन मैनेज माई फाइनेंसेज एंड आई कैन मैनेज माई सोर्सेज, माई फ्रेंडशिप्स, माई यू नो माई रिलेशंस विद सो मेनी आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग. सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड दैट आई नो सो मेनी पीपल एंड know what I want to do and I'm being able to, I have my hands and legs in place, I'm alive to be able to do that, you know. So a lot of factors, there are a lot of things that we can be happy about. We don't need a lot to live your life of your years. And I have beautiful family, I have people who really love me, even if it is like 3-4, it's more than enough. Sorry. So yeah, that's why I stay happy. Okay, also, you know, talking about recreations, as this song is also a very popular song, a recreation, but
what do as a independent artist or as a singer, what do you think about recreations? Because aajkal almost har dusre film mein there is a recreation, there is something like that. Most of the songs are liked by people, but some songs are being criticized also. So as a singer, what is your take on that? See, the thing is, those songs which were created then and abhi all the labels were constantly recreating stuff. They're doing it is because it's a sure shot game for them, right? Because those songs are already have been popular, so their melody already proved their worth, you know, or the groove proved its worth and the words proved it. Now they are just playing safe. But what I feel is happening is, firstly, anything you overdo, it kills it. Then secondly, I think the songs are not staying for long. You might have a lot of views and stuff, but how are you not going to remember it? You still will not go back to this version. You will go back to the original version, right? After like a couple of years, this version will, that's what is I feel is happening. When I am going to a playlist, I don't have originals to listen to, and I would like to listen to originals, you know. Beyond a point wo thoda ajeeb ho jata hai, and especially in a country where there's so much of talent and so rich in melody, and you know, music is so rich, udhar to at least originals khatam mat karo. Yeah. Also talking about, you know, जैसे कि हमने आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, सिंगिंग करते हुए भी देखा है, सो अगर मैं सिंगिंग करते हुए सुना है रादर, अगर मैं बात करूँ कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ यू नो जजिंग रियलिटी शोज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिकॉज देर इज सो मच ऑफ टैलेंट इन इंडिया, सो मच ऑफ टैलेंट, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिकॉज आजकल हर चैनल पर एक रियलिटी शो होता ही होता है, सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंगर्स कमिंग, बट देर इज स्टिल नो न्यू म्यूजिक कमिंग, यू नो, देर इज ऑलवेज अ रिक्रिएशन. सो व्हाट इज़ योर टेक on the reality shows? Reality shows are good for those guys if they want to do something. Wo obviously exposure milta hai, obviously aap apne audience tak pahunch sakte ho. It depends completely after that what they're doing. Mere liye main aur abhi to filhal nahi kar sakti hu, jaise bahut ho gaya, because I needed time to focus in what I wanted to do. My releases had been really after long time, so gap mera zyada ho raha tha. So that's why I needed to, bahut time ho, it's high time that I do what I wanted to do, you know, which are these independent songs, and this is the time when finally it's coming, you know, people are loving it, you know, they're accepting non-film music, and artists independently are being able to do it, like proper business module mein. So that's why for me, I mean, it's great. TV shows are happening, but right now I need to focus. That's not my priority at all. Yeah. Also talking about music, you know, if I ask ki aapne jitne bhi gaane gaye hain usme se which one is your personal favorite? I had been lucky to get some nice compositions, but main aise nahi bolte, there are Bengali songs also which I really like. Yeah, you can sing No. Ek to obviously Momo ke dhage, I love it. It's a beautiful composition. Yeah, I like Sawarlu. I like Khol de bahe, khol ke bahe. That is utna popular nahi hua tha, but bahut pasand hai mujhe. Then I also like that song jo Lakshmi film mein tha, Sun Sugna Re Hai. That song, I have not sung it. That's sung by other artists, but I personally like that song a lot. Aur bhi aise bahut gaane hain jo maine एक बंगाली गाना है, बोलो ना राधिका ताके जेओ ना प्रियो, समथिंग लाइक. Also talking about two most popular songs, of course, Samar Lu and Moh Moh Ke Dhaage. Ek to definitely aapko sunana padega, because viewers jo hain wo definitely sunna chahenge. Abhi to aise to sirf sunte, abhi dekhte hue sunna chahenge. Pani pani lagati hu na. Bilkul pani pani to hum sunwayenge, lekin aise nahi jaane dungi main. Do gaane to definitely sunani padenge. So pehle pani pani re, and then we'll jump on to next song. पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा. वाओ, दैट इज सो सूदिंग. थैंक यू. नेक्स्ट सॉन्ग. अच्छा, ये मोह मोह के धागे. नो, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द अदर वन. तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना. तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना. कैसे तूने अनकहा,
तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। हम लोग पागल नहीं है क्योंकि हमने सही इंसान को चुना है गाने सुनने के लिए, डेफिनेटली। सो ऑल्सो मैं जानना चाहूँगी लास्टली कि ऑफकोर्स आने वाले प्रोजेक्ट्स पल पल दिल के पास तो है ही आपका, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है जो लाइंड अप है? मूवीज आई कैन नॉट से बिकॉज आई जैसे पल पल दिल के पास रिलीज जब हो रहा था तब समझ में आया कि हाँ रिलीज हो रहा है, बिकॉज यू रियली कैन नॉट प्रेडिक्ट लोग कब उनका रिलीज डेट है क्या है, सो आई कैन नॉट से इट, बट यस आई बीन वर्किंग ऑन नाइस वंस। बट द मोस्ट एक्साइटिंग इज आर माई सिंगल्स, आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट इट बिकॉज एट लीस्ट यू गाइज विल गेट टू सी मी डू थिंग्स दैट यू हैव नॉट सीन मी बिफोर दिस, यू गाइज विल सी मी डांस which is my happiest Ooh. space, and yeah, that's why now that I've put on weight I'm struggling out, like I'm working out now, so yeah, I'm looking forward and how for these videos because that completes me as an artist, you know. So as an artist we are going to see everything that you can do. You can dance, you can sing, you can act. Is there anything else left for us guys to do so that other people can do? Like, you are doing everything, you're dancing, you're singing, let us also explore something. Yeah, who has stopped you? Of course you guys can. No, it's watching you. It's not that, it's just basically it's all combined together, so it's a complete package. Sarvagun sampann. Hi. That's what they say in Hindi. Sarvagun sampann. My goodness, thank you so much. No, it's just what we do, it's fun. That's the beauty of independent stuff. Yes. So lastly, जाते जाते viewers को क्या कहना चाहेंगी and any message for your male fans, because of course there are lots and lots and lots of messages that we get on our social media that you know she's so cute, she's so chubby, she's so chubby as in bubbly, not chubby but she's so bubbly and very yes, that I am chubby, you know. I know, thank you so much for making me, now I have to hit the gym twice, thank you very much. What do you have to say about it? To the male fans, no, to all my fans. No, you cannot just male fans. It's to all the fans. Thank you so much. I exist. It's because of you guys that I get the strength to fight against all odds and do what I believe in. And I hope I do not disappoint you guys. And I hope I can give out more songs and more beautiful videos. And yep. Yes, hopefully. Thank soon. Thank you so much. Bye.